बी वेल्थी में अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर बात बताई है, कब कहाँ कैसे निवेश किया जाए, जो भी सवाल आपके दिमाग में आया है उसके जवाब देने की हमने पूरी कोशिश की है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं ये कि हम कुछ एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे। ये लोग वो हैं जिन्होंने 15, 20, 25, 30 सालों से लोगों के लिए फ़ंड चुने हैं और उसमें निवेश करवाया है। हम चाहते हैं कि आप इनके नज़रिए को देखें, सुनें, समझें और आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो सही लगता है उसे अपनाएं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि ये एक्सपर्ट्स कौन हैं। हमारे साथ होंगे हेमंत रुस्तगी, गौरव मशरूवाला, हर्ष रूंगटा, पी वी सुब्रमण्यम और किरण तेला। तो आज का टॉपिक क्या है? म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाला हर शख्स ये जानना चाहता है कि फंड कैसे चुने। हमने यही सवाल एक्सपर्ट से किया। आइए सुनते हैं कि वो कैसे फंड चुनते हैं। देखिए, मुझे लगता है फंड चुनने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कितना पैसा इक्विटी में, कितना पैसा डेट में जाए, और वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना समय है। अगर लंबा समय है तो हम इक्विटी में जाते हैं, अगर कम समय है तो डेट में जाते हैं। एक बार हमने डिसाइड किया कि कितना पैसा इक्विटी में जाना है तो फिर हमें ये देखना है कि कितना पैसा किस कैटेगरी में जाना है, क्योंकि इक्विटी के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उसमें लार्ज कैप है, उसमें मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड है, स्मॉल है, तो ये कैटेगरी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, क्योंकि इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास है, बहुत ज़्यादा रिस्क आप अपने पोर्टफोलियो में मत लीजिए। शुरुआत कीजिए या तो लार्ज कैप फंड से या तो लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप से। अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो में ये फंड्स ऑलरेडी हैं, तो फिर आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड की ज़रूरत है, मिड कैप या स्मॉल कैप। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा आपका कितना, किस तरह का रिस्क प्रोफाइल है। एक बार आपने अगर कैटेगरी देख लिया तो फिर हमें, हम आते हैं फंड चुनने पे। किन फंड को हम चुने? सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना परफॉर्मेंस इस फंड का रहा है। और जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस नहीं देखते हैं। इक्विटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो हम एक साल से लेकर 10 साल के डिफरेंट समय पीरियड्स पे उस फंड की परफॉर्मेंस देखते हैं। वो इसलिए है कि अगर मैंने एक साल का परफॉर्मेंस देखा, हो सकता है हमने, फंड मैनेजर ने कुछ ऐसा किया हो जो काम किया उस समय, और पता चला कि जब मैं 5 साल या 10 साल की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ तो इनकंसिस्टेंट है। तो मुझे उस फंड को देखना है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कंसिस्टेंसी अच्छी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि उसने अपने बेंचमार्क, हर फंड का एक बेंचमार्क रहता है। मान लीजिए एक फंड का, लार्ज कैप फंड का बेंचमार्क है BSE 30 या Nifty 50, उसके मुकाबले में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे देखना है कि जो उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, पीयर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, उसके मुकाबले में उसने कैसा परफॉर्म किया। और तीसरा, ओवरऑल इस कैटेगरी की एवरेज के सामने इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे फंड ने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब मैं कैटेगरी में जाऊँगा तो मुझे दिखेगा कि इस फंड से बेहतर परफॉर्मिंग फंड है। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट को हम देखना है। पहले परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखिए, इन तीनों के मुकाबले में अपने फंड की परफॉर्मेंस हमको देखनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रिटर्न फंड ने जो बनाया है वो कैसे बनाया है। कहीं फंड मैनेजर ने बहुत ज़्यादा रिस्क लेके तो आपका पोर्टफोलियो नहीं बनाया, तो वो कैसे देखेंगे आप? वो देखेंगे हम कि किस तरह का एसेट एलोकेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो फंड है इसकी एसेट, जो सेक्टर एलोकेशन है, वो दूसरे फंड से डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? और क्या इसकी कंसंट्रेटेड होल्डिंग है? क्या ये कुछ स्टॉक के ऊपर डिपेंड करके पैसा बना रहा है? तो आई थिंक रिटर्न के आगे जाने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि ये रिटर्न बना कैसे। अगर कोई फंड मैनेजर, मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्क लेके रिटर्न दे रहा है, तो मैं उस फंड को अवॉइड करूँगा। तो परफॉर्मेंस देखिए, किस तरह से वो रिटर्न बनाया गया वो देखिए, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फंड को चुनने के लिए। देखिए, काफ़ी सारे पैरामीटर्स है। पहली बात यह है कि खुद के गोल्स तय करें, लेकिन उसके बारे में आगे भी बात कर सकते हैं। सिर्फ फंड चूज़ करने की बात आती है तो रिस्क और रिटर्न दोनों देखें। ज़्यादातर लोग रिटर्न्स पे कंसंट्रेट करते हैं और ये आपको पूरा पिक्चर नहीं देगा। तो रिटर्न्स तो ठीक है, देख लें और उसके बारे में बात करेंगे। रिस्क में क्या क्या देख सकते हैं, हालांकि ये टेक्निकल है, लेकिन खुद को अगर चूज़ करना है तो फिर ये टेक्निकल जानकारी ज़रूरी है। काफ़ी सारे रेशियोज़ है, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन, आर स्क्वायर, बीटा, शार्प, ट्रेन्योर, ये सब की जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद तय कर रहे हो। रिटर्न्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न्स, एनुअलाइज्ड, रोलिंग रिटर्न इज़ द बेस्ट वे टू जज अ फंड।
ये होने के बाद में फंड का परफॉर्मेंस वीजावी इट्स पीयर्स एंड बेंचमार्क, कई दफ़े ये होता है कि बेंचमार्क एक है और फंड का कोरिलेशन विद बेंचमार्क इज़ पैथेटिक। तो अगर आपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लिया वेर यू डिसाइडेड यू वांटेड 50% इन लार्ज कैप एंड 50% इन मिड कैप, अभी ये लार्ज कैप है इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक मिड कैप, देन यू 100% इन मिड कैप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू हैव टू लुक एट ऑल दोज थिंग्स, हाउ मेनी बिजनेस साइकिल्स इट हैज सीन, मोर द नंबर ऑफ डाउन टर्न इट हैज सीन, बेटर द फंड, देन ऑब्वियसली ये UM expenses, the number of years AMC has been in existence. So look at all those parameters and then choose a fund. So well, एक बार आपने अगर decide कर लिया है कि आपको कौन सी category के funds में निवेश करना है, ये ज़रूरी है कि आप उस category के अच्छी scheme भी select करें। तो selection आप किस तरह करते हैं, उसके कई parameters होते हैं। अगर हम एक layman investor के रूप में अगर बात करते हैं, investor को ये देखना है कि मुझे ultimately एक ऐसी scheme मिले जिसने हर मार्केट के उतार चढ़ाव के फेज़ को देखा है और उसने उस फेज़ में अच्छा प्रदर्शन दिया है। अभी अच्छा प्रदर्शन क्या होता है? अच्छा प्रदर्शन ये होता है कि जब मार्केट बढ़ रहा है, मान लीजिए जो बेंचमार्क है उस कोई भी स्कीम का, लार्ज कैप अगर स्कीम है तो उसका बेंचमार्क आपका इंडेक्स होगा, अगर इंडेक्स 10% एक पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ा है तो आपका जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो उस 10% से ज़्यादा उसको परफॉर्मेंस देना चाहिए। और अगर नीचे गिरा है, मान लीजिए यही इंडेक्स आपका 10% नीचे गया है, तो आपका जो फंड है वो 10% से कम गिरना चाहिए। सो एक पैरामीटर जो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की है, जो लेमैन समझता है, वो है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस किस तरह देखी जाती है वो मैं आपको जस्ट अभी बताया। तो एक परफॉर्मेंस की बात है, वो प्राइमरी है। दूसरा आपको देखना है कि फंड हाउस कौन है, कौन सा है। मान लीजिए आपने कोई भी एक स्कीम का स्कीम परफॉर्मेंस देख के आपने उसे पिक कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, लेकिन फिर आप देखते हैं कि ये एक स्कीम जो है वो एक ऐसे फंड हाउस रन कर रहा है जो नया है या जो छोटा है, छोटा इन टर्म्स ऑफ AUM। तो आपको देखना कि क्या ये अपने आप में एक स्कीम है जो अच्छी की है, या फंड हाउस अगर 15 स्कीम्स इक्विटी मार्केट में ऑफर कर रहा है तो 15 में से उनकी कितनी स्कीम्स एज अ फैमिली, 15 स्कीम्स में से कितनी स्कीम्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू असेस कि उसके रिसर्च कैपेबिलिटीज़ क्या है। सो फंड हाउस की तरफ भी आपको बहुत ज़्यादा महत्व देना होगा। फ़ंड कैसे चुनना चाहिए? दो तरीके हैं फ़ंड चुनने के। एक ये कि अगर आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी है, आपको मतलब ये बोलना कि यहाँ साइन करना है और मुझे सिर्फ इस फ़ंड में डालना है, तो एक बहुत आसान तरीका है, उसको कहते हैं इंडेक्स फ़ंड में पैसा डालना। इंडेक्स फ़ंड में पैसा डालने के लिए कुछ आपको अक्ल की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अक्ल की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक इंडेक्स फ़ंड ढूंढिए जो बहुत बड़ा हो, मतलब बहुत लोगों ने उस पर पैसा डाला, वेरी गुड चांस कि उसके कॉस्ट कम होंगे और उसका ट्रैकिंग एरर कम होगा। अगर आप 15, 20, 30 साल की व्यू ले रहे हो तो आपको इंडेक्स फंड में ही डालना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कोई फंड मैनेजर रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है, आप इसमें सिर्फ इंडिया रिस्क ले रहे हो। अगर इंडिया अगले 15, 20, 30 साल में अच्छा करता है तो ऑब्वियस है कि आपका पैसा अच्छा करेगा। आप उसमें पैसा डालना शुरू कीजिए, एक साल, दो साल, तीन साल डालिए, फिर आपको लगेगा अरे मेरा पड़ोसी का मिड कैप अच्छा कर रहा है, मेरा पड़ोसी का लार्ज कैप अच्छा कर रहा है, मेरा पड़ोसी का स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है, फिर जरा पढ़ना सीखिए। अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपके घर में किसी को पढ़ाइए, मतलब आपका अगर बच्चा बड़ा हो गया तो वो उससे, या अपने माता पिता से, या अपने बीवी से, कोई एक बंदा ऐसा हो घर में जो कम से कम पढ़ें और देखें कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। फिर आप देखिए कोई बड़ा फंड में थोड़ा डालिए, फिर भी आपका मेजर, मतलब अगर आप 10,000 रुपये का SIP कर रहे हो तो 7,000 रुपये आप इंडेक्स फंड में रखिए, 1,000-2,000 आप कोई लार्ज कैप फंड में डालिए, फिर 1,000-2,000 आप मिड कैप या स्मॉल कैप में डालिए, फिर देखिए क्या हो रहा है। फिर आप तब तक आपको पता चल जाएगा कौन से वेबसाइट्स विजिट करने चाहिए, क्या करने चाहिए वगैरह वगैरह, तब आप देखिए कि क्या क्या देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता, 42 फंड्स हैं और 5,000 स्कीम्स हैं, इसमें से 2 या 3 आपके लिए यूज़फुल है। तो आपको अगर कोई किसी से बात करना है तो आपको 4,990 बार ना बोलना पड़ेगा और 10 बार हाँ बोलना पड़ेगा, और ये आसान नहीं है। हम नेचुरली हाँ बोलते हैं, तो कोई भी हमारे पास आता है, कुछ भी फॉर्म लेकर के आते हैं, हम एक ही पूछते हैं कहाँ साइन करना है बताओ, और ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपको 4,990 बार नो बोलना है, 10 बार हाँ बोलना है। अगर आपको 10 भी चुनना नहीं है तो एक ही इंडेक्स फंड में डालिए, कोई भी फंड हाउस में जाइए। आप, मैं किसी फंड हाउस का नाम नहीं लेना चाहता, सब फंड हाउस में एक सेंसेक्स फंड मिलेगा या निफ्टी फंड मिलेगा या दोनों मिलेगा,
किस में भी डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें डालिए और कम से कम 5 साल 10 साल की अवधि देखिए। अब मार्केट काफ़ी ऊपर है, अब जब हम बात कर रहे हैं, हम जुलाई 2018 की बात कर रहे हैं, मार्केट स्पेशली सेंसेक्स जो है काफ़ी हाई है, तो मतलब आपको 10 साल कम से कम लगेगा कि इसमें मुझे अच्छा रिटर्न मिले। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, 4 साल बाद या 3 साल बाद अगर मार्केट नीचे है तो आपको प्रेस में ये सुनने मिलेगा कि अगर आप PPF में रखते तो आपका रिटर्न ज़्यादा अच्छा होता। ये सबसे बेवकूफ़ा स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट को आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए, बट आप पढ़ोगे, मैं आपको उसमें तो रोक नहीं सकता। उस समय आपको एक चीज़ करना चाहिए, आँख बंद करके थोड़ा मेडिटेशन कर लो, विपासना कर लो, जो भी कर लो, और 10 साल के बाद देखो क्या होता है। और इक्विटी से पैसा कब निकालना चाहिए, जब आप बहुत कंफर्टेबल हो, आप देख रहे हो कि बहुत तेज़ी है, आपका फंड बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसमें से निकाल के आप कोई सिंगापुर ट्रिप कीजिए या कुछ भी कीजिए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपका सब गोल्स उसी में आ जाएगा, सिंगापुर ट्रिप हो, बड़ा घर लेना हो, बड़ी गाड़ी लेनी हो या रिटायरमेंट हो, सब एक ही में कर सकते हो। बट बी वेरी क्लियर, अगर आपका 10 साल की अवधि नहीं है तो इस समय में आपको इक्विटी फंड में नहीं होना चाहिए, आपको कोई ऐसा फंड में होना चाहिए जिसमें 60% 70% डेट हो और 20-30% इक्विटी हो। इसको हम हाइब्रिड फंड्स कहते हैं, हाइब्रिड डेट बेस्ड फंड्स, इसमें होना चाहिए। बट फिलहाल एज अ स्टार्टर, अगर आप पहली बार आप निवेश कर रहे हो तो इंडेक्स फंड, और फिर सीखना स्टार्ट कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मेक इज इन एजुकेशन। आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, आप सीख जाओगे किस में डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है, कौन सा फंड हाउस अच्छा है, फिर आप डिसाइड कीजिए। बट फिलहाल स्टार्ट ऑफ विथ एन इंडेक्स फंड। फंड सिलेक्शन जो है इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये काफ़ी कॉमन सा सवाल है कि मैं कौन सा फ़ंड चुनूँ, किस स्कीम में इन्वेस्ट करूँ। स्कीम का जहाँ इन सिलेक्शन है, अब सेबी ने काफ़ी आसान कर दिया है, सेबी ने जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज हैं उसको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये क्लैरिटी दे दी है कि कौन से फंड्स किस कैटेगरी में आएंगे, तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन आपकी शुरुआत स्कीम सिलेक्शन से नहीं होनी चाहिए, आपकी शुरुआत इससे होनी चाहिए कि आप किसके लिए पैसा जमा कर रहे हैं। अगर आप 2 साल में आपको कोई खर्च है, जैसे बच्चों का स्कूल एडमिशन होना है, या आपने घर के लिए पैसे जमा किए हैं, आपको डाउन पेमेंट करना है, तो ये 2-3 साल वाले जो गोल्स होते हैं उसके लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड ना देखें, उसके लिए आप डेट म्यूचुअल फंड की तरफ ध्यान दें। और अगर आपका गोल लंबे समय का है, जैसे आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, या आप अपने बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, या बच्ची की शादी के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, तब आप इक्विटी फंड की तरफ जाएं। तो एक सिंपल सा तरीका है कि 5 साल से नीचे वाले जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए आप डेट फंड का सिलेक्शन कीजिए, और 5 साल से ऊपर, 5 से 10 साल की जो स्कीम है उसमें डेट और इक्विटी आप मिक्सचर रखिए, थोड़ा सा इक्विटी रखिए, थोड़ा डेट रखिए, और 10 के ऊपर वाले जो हैं वो पूरा आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में जाना चाहिए। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप अपना स्कीम सिलेक्शन शुरू कर सकते हैं। तो मैं ऐसा अगर आपसे कहूं कि आपकी क्लैरिटी है कि आप पैसा 10 साल से ज़्यादा के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं, मतलब आपके गोल 10 साल से ज़्यादा दूर हैं, तो अब आप कैसे सिलेक्ट करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या फ़ंड सिलेक्ट करें आप? तो इसमें आप ये समझिए कि लार्ज कैप फंड जो है वो कम वॉलेटाइल होंगे, क्योंकि उनमें जो कंपनीज़ म्यूचुअल फंड खरीदती हैं वो कंपनीज़ एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, तो उसमें अगर समझिए कोई टैक्स लॉस चेंज होते हैं या कॉरपोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज़ होते हैं, वो उनमें चांसेस कम है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो उनका जो कैश फ्लो है या उनका जो प्रॉफिट है जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ता है, उनको कम प्रॉब्लम होगी, तो वो ज़्यादा स्टेबल कंपनीज़ हैं। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप चुनिए। उसके बाद आता है मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड जो है इसमें जो कंपनीज़ हैं वो कुछ समय से एस्टैब्लिश्ड हैं मार्केट में, बट अभी भी उनकी स्टेबिलिटी पूरी तरह से लार्ज कैप के तरीके से नहीं हुई है, तो वो अगर कहीं कुछ चेंजेस मेजर होते हैं तो उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है। आप ये समझिए कि जो आप पैसा लगा रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में नहीं लग रहा है, वो किसी के बिजनेस में लग रहा है। तो अगर वो बिज़नेस अच्छा चल जाता है तो स्टॉक प्राइस बढ़ता है, और अगर बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है तो स्टॉक प्राइस गिर जाता है। तो बिज़नेस रिस्क किसको ज़्यादा होता है? जो कंपनी छोटी साइज़ की होती है उसको बिज़नेस रिस्क ज़्यादा है, और बड़ी कंपनी को बिज़नेस रिस्क कम है। तो उस हिसाब से लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा, मिड कैप थोड़ा उससे कम स्टेबल होगा, और स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से आप जितना रिस्क लेने को तैयार हैं उस हिसाब से आप सिलेक्शन कीजिए। और जहाँ तक ये 10 साल से ज़्यादा वाले गोल्स का सवाल है, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप होना ज़रूरी है, बिकॉज आगे चल के आगे 10-15-20 साल या जो 30 साल के आपके गोल्स हैं उसमें हो सकता है ये कंपनी छोटी से बड़ी बन जाए। जब हमने अगर आप इन्फोसिस को देखें, जब इन्फोसिस की लिस्टिंग हुई थी तब वो एक बहुत छोटी सी कंपनी थी, लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब जब 25-30 साल हो चुके हैं उस कंपनी को, तो उसका स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चला गया और सभी लोग चाहते हैं कि उस कंपनी को खरीदें, लेकिन जिन लोगों ने इनिशियली उसमें इन्वेस्ट किया था वो अब करोड़पति बन चुके हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा पैसा आपका मिड और स्मॉल कैप में लगना चाहिए,
एक बड़ा अमाउंट जो है वो लार्ज कैप में लगना चाहिए। तो आपने देखा कि फंड चुनने के जो फंडे हैं ना बहुत ज़्यादा अलग नहीं हैं, सबकी राय मोर और लेस सेम है। अगर आप इस बेसिक बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको फंड चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बी वेल्दी में फिलहाल इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, और कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखिए।